हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ भारती। और देखिए, मैंने एक एग ट्रे में कुछ सरसों के दाने जो है ग्रो किए थे, तो उसका रिजल्ट आप देख सकते हो। तो घर की बहुत सारी वेस्ट ऐसे निकलती हैं जिनमें कि हम अपनी गार्डनिंग जो है कर सकते हैं। तो अलग अलग एक्सपेरिमेंट मैं करती रहती हूँ कि कुछ ना कुछ किसी में क्या क्या हम ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो ये जो आइडिया है पुराना है काफ़ी, तो लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम इसमें कुछ ग्रो किया है, तो मुझे नियर अबाउट ठीक ठीक ही रिज़ल्ट मिले हैं। कुछ खास रिज़ल्ट नहीं मिले हैं। वैसे जो सरसों हैं धीरे धीरे ग्रो हो रही है, तो पहले तो कुछ ही ग्रो हुई थी, लेकिन अभी काफ़ी ग्रो हो गई है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, यहाँ पर भी निकल रहे हैं, यहाँ पर भी। तो पहले तो मुझे लगा था कि बिल्कुल जो है बेकार आइडिया है, लेकिन अभी कुछ दिन जो बाद है इसके जो सीड्स हैं वो निकल रहे हैं, जिनको देख के मुझे अभी अच्छा लग रहा है। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं, इनके जो सेकंड वाले जो पत्ते हैं वो भी निकल आए हैं, जिनको कि हम अभी इनको रिपॉट कर सकते हैं किसी दूसरे पॉट में। तो ये जो सरसों है, जो मोटी मोटी होती है काली वाली सरसों, वो है जो कि हमारे किचन में ही यूज़ होती है, तो उसी के जो दाने हैं मैंने यहाँ पर ग्रो कर दिए थे। तो मैंने सोचा था कि बाद में इसमें से जो हम सीडलिंग तैयार करके अलग से किसी पॉट में या किसी और जगह पे जो साग की तैयारी है वो कर सकते हैं, साग ग्रो करने की। तो ठीक ठीक रिज़ल्ट मिले हैं। मैं ज़्यादा सेटिस्फाइड भी नहीं हूँ और ज़्यादा नाखुश भी नहीं हूँ। मुझे 50-50% जो है रिज़ल्ट मिल चुके हैं। तो ये है कि आप अगर कुछ सीडलिंग ऐसी होती है कि जैसे मैरीगोल्ड की सीडलिंग होती है, तो आप उसमें कर सकते हैं। जैसे उसमें हमें ज़्यादा प्लांट्स नहीं चाहिए होती, तो 4-5 या 6-10 ही हम उगाना चाहते हैं, तो हम वैसी वाली सीडलिंग के लिए एग ट्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सही है। तो आप भी अगर चाहें तो एग ट्रे जो है फेंकने से पहले आप उसको उसमें सीडलिंग तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहती है। जैसे आप देख सकते हो, जैसे ये गीली होती है तो ये गलना स्टार्ट हो जाती है। तो बस एक सीडलिंग का जितना प्रोसेस होता है उसके लिए ये ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास सीडलिंग के लिए कुछ और जगह या फिर कुछ और जो तरीका है वो नहीं है। तो वीडियो कैसी लगी, तो वीडियो को लाइक करना और मुझे कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।